वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मंगल ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में आज मेरी बात होगी। दोस्तों, जैसे ही मंगल ग्रह के बारे में बात आती है, सबसे पहले जो विषय है वो देखने वाला होता है व्यक्ति का पराक्रम। जी हाँ दोस्तों, कि व्यक्ति में कितना पराक्रम है, कितना साहस है। जी हाँ दोस्तों, साहस को हम हमेशा मंगल से देखते हैं। मंगल साहस का कारक, मंगल से हम भूमि को देखते हैं। जब भी हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो मंगल से हम भूमि का विचार करते हैं। मंगल से हम अपने भाइयों के बारे में भी विचार करते हैं। मंगल से हम क्रोध को देखते हैं कि मंगल की प्लेसमेंट कैसी है, तो उससे पता लगता है कि व्यक्ति का स्वभाव कितना क्रोधित है। इसको भी मंगल के द्वारा ही देखा जाता है। दोस्तों, जैसे सन है, सूरज, उसे हम किंग समझते हैं, राजा समझते हैं, तो मंगल को हम सेनापति मानते हैं। वैदिक ज्योतिषी में मंगल को हम सेनापति ग्रह मानते हैं। जितनी भी अचल संपत्ति है, जी हाँ दोस्तों, जितनी भी अचल संपत्ति है, इन सब का विचार जन्म कुंडली में जब हम देखते हैं तो अचल संपत्ति का विचार जब भी करना हो तो हम मंगल की पोजीशन को देखते हैं। पुलिस बल, सेना या अन्य सैन्य संगठनों के बारे में भी देखना हो, और बड़े बड़े इंजीनियरों के बारे में देखना हो, तो इसका भी जो कारकत्व है वो मंगल के अधीन ही आता है। जी हाँ दोस्तों, शत्रुओं के बारे में देखना हो, शत्रुओं की जब चर्चा होती है तो शत्रुओं के बारे में भी हम मंगल से ही देखते हैं। इसका कारतत्व भी मंगल ही आता है। अस्त्र शस्त्रों का कारक जन्म कुंडली में मंगल को ही माना गया है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध का कारक ग्रह भी मंगल को ही माना गया है। जिस तरह शत्रुओं का कारक ग्रह मंगल को माना गया है, तो उसी प्रकार युद्ध का कारतत्व भी मंगल के पास ही आता है। जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं का कारकत्व भी मंगल ग्रह के अधीन ही माना गया है। और अग्नि, आग का लगना या अग्नि को भी हम मंगल से देखते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो बत्ती से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, उनका कारकत्व भी मंगल के अधीन ही आता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी दोस्तों सर्जन हैं, सर्जन डॉक्टर जितने भी आते हैं, इनका कारतत्व भी मंगल के ग्रह के अधीन ही आता है। दोस्तों, रक्त और रक्त से संबंधित बीमारियों, रक्त और रक्त से संबंधित बीमारियों का विचार और रक्त का कारतत्व भी मंगल के अधीन ही आता है। चर्चा करूं दोस्तों कि मंगल की अपनी कौन सी राशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल की मेष और वृश्चिक, जी हाँ दोस्तों, मेष और वृश्चिक मंगल की
अपनी राशियां हैं। अगर मंगल एक नंबर साइन में बैठा हो तो हम कहेंगे मंगल अपने घर में बैठा है। मंगल यदि आठ नंबर साइन में बैठा हो तो हम कहेंगे मंगल अपने घर में बैठा है। ये दो राशियां, ये दो साइन मंगल के हैं, ठीक है दोस्तों। अब मंगल किस साइन में उच्च का माना जाता है, किस राशि में उच्च का माना जाता है? दस नंबर साइन। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। दस नंबर साइन में यदि मंगल हो तो मंगल उच्च का माना जाता है। और चार नंबर साइन यानी कर्क, चार नंबर साइन में यदि मंगल प्लेस्ड है तो फिर यहाँ मंगल नीच का माना जाता है। बात करूं दोस्तों अब दिशा की, तो मंगल की दिशा साउथ है। जी हाँ दोस्तों, मंगल की दिशा साउथ। अब दोस्तों मैं एक खास बात बता दूं कि मंगल जन्म कुंडली में किन भावों का कारक है। तो दोस्तों मंगल हमारे D1 चार्ट में तीसरे और छठे भाव का कारक ग्रह है। इन भावों के कारक ग्रह तीसरे और छठे का, जैसे चंद्रमा को मैंने बताया था कि चंद्रमा चौथे घर का कारक ग्रह चंद्रमा को मानते हैं, सूरज को पहले नौवें और दसवें घर का कारक ग्रह मानते हैं, उसी प्रकार मंगल को तीसरे और छठे ग्रह का कारक ग्रह माना गया है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि मंगल की ये दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं और वो दृष्टियां मंगल की पहली जो है पूरन दृष्टि होती है अपने से चौथे घर पर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बैठा होता है मंगल वहाँ से उसकी पूरन दृष्टि चौथे घर पर भी होती है, वहाँ से सातवीं दृष्टि सातवें घर पर भी उसकी पूरन दृष्टि होती है, और जहाँ मंगल बैठा हो वहाँ से वो आठवें घर को भी पूरन दृष्टि से देखता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, मंगल जहाँ बैठा हो वहाँ से वो चौथे घर पर अपनी पूरन दृष्टि डालता है, जहाँ मंगल बैठा हो वहाँ से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से आठवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल की ये तीन दृष्टियाँ पूर्ण रूप से चौथे सातवें और आठवीं दृष्टि इसकी होती है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।